नमस्कार, आज हम 38 लोकसभा सुल्तानपुर में चुनावी कवरेज के लिए मौजूद हैं और हमारे दस्तक भारत के आपका वोट आपकी मर्जी एपिसोड में इन वोटरों का मैं स्वागत करता हूं। निवर्तमान सांसद मेनका गांधी जी वर्तमान में भाजपा से प्रत्याशी हैं, इसके अलावा इंडिया गठबंधन से रामभुआल निषाद हैं। उदराज वर्मा को लोग यहाँ बताते हैं, लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, बसपा से प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इन लोगों का क्या कहना है, किस तरह से हम जिताएंगे, जात के आधार पर जिताएंगे कि विकास के आधार पर जिताएंगे। 18.5 लाख वोटर हैं, तो क्या लगता है इस बार कितने वोटों से मेनका जी जीत रही हैं? इस बार हमारा जो सुल्तानपुर 38 लोकसभा है, ये मेनका जी को कम से कम 4 लाख वोटों से विजयी बनाएगा। दूसरा, 8 लाख पार वोट का हमारे लोगों का टारगेट है यहाँ पे कि 8 लाख से ज्यादा वोट माननीय सांसद जी को मिलेगा। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं कोरेभार कस्बे में, यहाँ पे सांसद जी की 2 उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धि है कि सामुदायिक भवन 10 लाख ये सामने आपके उस पटरी पे बना हुआ है, और एक अंत्येष्टि स्थल 25 लाख से इस ग्राम सभा को स्पेशली मिला हुआ है। और साथ ही इसके अलावा जो एडिशनल काम है वो हो ही रहा है, चाहे वो सड़क के हो या गांव के किसी समस्या को लेकर हो, उसको निस्तारण करने में हमारी सांसद जी कोई कसर नहीं छोड़ती। दस्तक भारत के सर्वे में ये सामने आया है कि जो निषाद वोटर हैं, करीब 1.5 से 2 लाख वोटर, वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, और आप बता रहे हैं 4 लाख 8 लाख से जीत जा रहा है। उसका कारण आप ये जाति पे हमारा सुल्तानपुर अब नहीं रह गया है, हमारा सुल्तानपुर के विकास पे ध्यान दे रहा है। और विकास भारतीय जनता पार्टी ने की गवर्नमेंट 10 साल से लगातार सेवा कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकार हमारी प्रदेश के हिसाब से चल रही है, तो इससे निषादों का जो भला हुआ है इस सरकार में वो विगत 10 वर्ष के पूर्व कुछ नहीं हुआ उनके साथ। तो जो लाभ हमारे से सरकार के द्वारा, और चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जो लाभ निषाद को मिल जा रहा है वो लाभ उनसे कभी नहीं मिला है। इसलिए हम उनकी व्यवस्था को देते हुए हम उनसे उम्मीद भी करेंगे और वो ज्यादा वोट भी करेंगे। दल तो कहता है धर्म का और धर्म के आड़ में जहर घोला जा रहा है, इस आधार पे वोट भाजपा मांग रही है। भाजपा धर्म के आधार पे नहीं, विकास के आधार पे मांग रही है। लेकिन कोई अपना कह दे कि धर्म के आधार पर, जब 70% से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र की हिंदू आबादी है, तो उसमें कौन से धर्म की बात होती है? इसमें दो ही धर्म रहते हैं, एक हिंदू या तो मुस्लिम। इस बार फिर मोदी, फिर से मोदी सरकार और 400 पार। आप तो प्रधान प्रतिनिधि हैं कूड़ेभार कस्बे के, क्या लग रहा है आपको, यहाँ कौन सा विकास आप लाए हैं या मेनका जी ने किया है या यहाँ विधायक जी ने किया? यहाँ विकास ही विकास हुआ है। एक बगल सांसद जी ने 10 लाख का दिया, सामुदायिक भवन दिया है, अंत्येष्टि स्थल सांसद जी ने दिया है, पार्क बना है, कम से कम यहाँ 2 करोड़ का काम हुआ है। यहाँ जो और प्रत्याशी है उनकी अपेक्षा, सोनू मोनू की अपेक्षा से ज्यादा सबल तो है नहीं, तो क्या लग रहा है कैसे इतना जीत जाएंगे जबकि वो निषाद हैं, अति दलित लोग भी उनके साथ हैं? सपा बसपा दोनों मिला के 4 लाख वोट पाएगी इस बार, 8 लाख सांसद जी पाएंगे वोट। चलिए ठीक है, तो आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ मिला है रोजगार, ऐसा कुछ है? युवाओं के लिए तो रोजगार तो सबके पास है, बाकी सब काम अपने कर ही रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जो सांसद जी काम किए हैं, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किए हैं। दुख मुसीबत कोई भी आता तो सांसद जी हमारे हमेशा पहुँचती रहती हैं, महीने में 2-2 बार आती है। हाँ, महीने में आती है, और मुलाकात भी होता है, और कोई भी समस्या होता है उसका समाधान भी होता है। और अभी आपने देखा होगा कि मछुआरे वाला मामला हुआ था, हमारे सांसद जी ने वहाँ से उन लोगों को लेके आया है, 90 मछुआरों को। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात वही है कि वो मतलब मेनका जी हर वर्ग की हिमायती। हाँ हाँ, जैसे जो निषाद वाली बात कर रहे हैं आप, आपकी तो दुकान है यहाँ पे, बहुत ऐसे लोग आते होंगे, क्या चर्चा होती है, क्या होगा? हम लोग का सिर्फ एक ही है, भाजपा भाजपा भाजपा। मेनका जी जो ने काम कराई है मेडिकल वाला अस्पताल में सुल्तानपुर जिले में, ये सबसे बड़ा काम है। अंदर खाने की हम बात करें तो जब सांसद मेनका जी हो या वरुण गांधी जी हो, ये लोग बड़े जमीन स्तर तक के चुनाव लड़ते हैं। ऐसी कुछ टीमें जो हैं गोपनीय तौर पे पूरा प्रचार प्रसार करती है, क्या तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी चल रही है, उसको पूरी निगाह पैनी निगाह रखते हैं। ऐसे में जो है हमारे बीच में
काफी करीबी सांसद जी के कुछ प्रचार प्रसार में हैं। आइए देखते हैं, इनसे जानते हैं क्या रणनीति है इस बार चुनाव। रणनीति यही है कि माता जी ने यहाँ पे इतनी लंबी लाइन खींच दी है, आज तक आजादी के बाद जितने भी सांसद यहाँ पे हुए हैं, कोई लोकल सांसद हुआ हो या बाहरी हुए हो, मैडम यहाँ लोकल से भी ज्यादा लोकल रही हैं। हर वर्ग की पहुंच मैडम तक रही है, माता जी तक रही है। किसी की कोई भी पर्सन समस्या हो या क्षेत्र की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, वो सबसे अधिक यहाँ महीने में यहाँ दो बार आती हैं, लोगों के बीच रहती हैं और कोई माध्यम बीच में नहीं है। कोई भी डायरेक्ट आके उनसे मिल सकता है, अपनी परेशानी अपनी बात उनसे रख सकता है और वो प्रशासन से तुरंत ही फोन मिलाती है और कार्रवाई करती है और जो पीड़ित है उसकी जो है शिकायत दूर कराती है। एक हमने अभी अपने सर्वे में दस्तक भारत के सर्वे में ऐसा आया था कि जहां भी ये बताया जाता है कि हर वर्ग के वोटों को हर वर्ग के लोगों से संबंध रखती है, वहीं शहर से सटा चुनहा है करौंदिया देहात ग्राम पंचायत, वहां 200 से ज्यादा घरों की आबादी निषादों की है जिस पर अन्य प्रत्याशी काफी अपनी निगाह रखे हुए हैं, उनके भरोसे अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं कि उनके भरोसे हम जीत जाएंगे, लेकिन वहां की स्थिति है, वहां उस ग्राम पंचायत में जीत के बाद ना तो सांसद जी कभी गई हैं और ना ही विधायक जी कभी गए हैं और किसी घर में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। आपका क्या हो रहेगा? जहां तक मेरी नॉलेज में क्षेत्र का कोई भी पुरवा या गांव नया पंचायत ऐसी नहीं बची जहां मैडम एक या एक से अधिक बार ना गई हो और कहीं भी जहां जहां शौचालय की जरूरत है वहां शौचालय करवाया है, जहां आज से पहले जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें बनवाई हैं, पक्की सड़कें बनवाई हैं, शौचालय की व्यवस्था करी है। दूसरी बात, वरुण जी जब यहां सांसद थे उन्होंने जो है यहां सुल्तानपुर का जो है जो अस्पताल है वो बिल्कुल आधुनिकीकरण कराया, उन्होंने सरकार से भी अपने निजी पैसे से वहां पे जो बेडों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और जाने कितनी व्यवस्थाएं करवाई। जब कोरोना काल चल रहा था मैडम कोरोना काल में यहाँ पे रही, जिसको भी किस तरह की समस्या आती, कुछ लोग दूर फंस गए थे उनको लाना है, विदेशों में फंस गए थे उनको लाना है, मतलब किसी भी तरह की यहाँ पे जो है सांसद रसोई चलाई, जिनको खाना नहीं मिला उनको खाना की व्यवस्था करवाई गांवों में कस्बों में कि खानों के खाने के पैकेट पहुंचे माता जी की तरफ से और वरुण जी की तरफ से जो है लोगों को जो भरपूर सहायता करने की कोशिश की गई और जो है किसी भी तरह की कहीं कोई जाति पाति नहीं है। मैडम के तो सब माता जी को सब अपना माँ समझती हैं, माता जी सबको अपने अभिभावक की तरह लेती है, सब उनके बच्चे हैं और सभी उन पे अपना अधिकार समझते हैं, कहीं उनमें छोटा बड़ा नहीं, कोई जात पात नहीं है। तो यहाँ की आम जनता है जिनको जो सांसद प्रत्याशी भाजपा की मेनका गांधी को माता के रूप में लेता है, जन जन के रूप में बसी हुई है, लोगों में बसी हुई है, तो कुछ ऐसे हमारे जो वोटर रहे जिन्होंने पूरा बेबाकी से अपना जवाब दिया। फिर मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।